हेलो एवरीबॉडी गुड इवनिंग कैन यू ऑल मी सुनाई दे रही है मेरी आवाज़ सबको हेलो एवरीबॉडी फटाफट से शेयर कर दो आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो फटाफट से मैं भी टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ बस एक मिनट स्टार्ट करते हैं सुनाई दे रहा है ना सबको सब, सब बुक दिखाई दे रही है आवाज आ रही है मेरी थैंक यू सृष्टि आई एम एब्सोल्युटली फाइन गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबॉडी आई होप सब लोग अच्छे हैं सबकी हेल्थ अच्छी है और सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है हेलो हेलो एवरीबॉडी ओके तो लास्ट टाइम यानी कल के लेक्चर में हमने तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा अबाउट डिफरेंट टाइपिंग डिवाइस क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए कौन कौन से डिवाइसेज की जरूरत होती है वो हमने पढ़ा हमने अलग अलग डिवाइसेज पढ़े और हमने अबायोटिक और बायोटिक, बायोटिक एजेंट्स के बारे में भी डिटेल में थ्योरी समझी अब आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्शन दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट ये जो टॉपिक है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आपको पोलन पिस्टल इंटरक्शन के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है या तो पोलन पिस्टल के ऊपर क्वेश्चन आएगा या तो डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर आएगा तो आपको ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने हैं पोलन मतलब क्या होता है पोलन ग्रेन और पिस्टल मतलब क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखो दो अलग अलग ऑर्गन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम पोलन ग्रेन की बात कर रहे हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि पिस्टल की बात कर रहे हैं तो पोलन और पिस्टल आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कैसे हमको सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है वो हम समझने वाले हैं ठीक है तो देखो पोलन ग्रेन कहाँ से आता है ऐसा आपका समझो कि एक बायोक्शुअल फ्लावर अगर हम ड्रॉ करें अगर ऐसा एक बायोक्शु बाविस, फ्लावर ड्रॉ करें तो इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है मतलब ओवरी है स्टाइल है और स्टिग्मा है ये है आपका पिस्टल वाला पार्ट ये आपका क्या है पिस्टल वाला पार्ट है और यहाँ पर आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मतलब फिलामेंट और ये फिलामेंट का एंथर और इस एंथर के अंदर है पोल्स ठीक है तो ये पोलन और ये स्टिग्मा इन दोनों के बीच में कैसा इंटरेक्शन होगा जिसके वजह से हमको सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है तो वही चीज आज हम समझने वाले हैं वो समझने से पहले आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर एकदम डिटेल में याद होना चाहिए मैं एक टॉपिक खत्म करने के बाद आपके डाउट्स लूंगी तो अगर आपको डाउट होगा तो वो आप टाइप करके लेक्चर पे ध्यान दो ज्यादा मैस, मैसेज मत करो या चैट मत करो वरना आपका ध्यान नहीं लगेगा फिर आप पूछोगे मैम इसका मतलब क्या है उसका मतलब क्या है फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा तो देखो पोलन और स्टिग्मा यानी पोलन और पिस्टल के बीच का इंटरैक्शन समझने से पहले आपको एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर अच्छे से याद होना चाहिए तो हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी हमारी फीमेल ओवरी होती है हमने क्या पढ़ा था वन मिनट तो हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे हमारी फीमेल ओवरी होती है इस फीमेल ओवरी में आपके नीचे की तरफ जो एग पैरेटस होता है यहाँ पर तीन सिनर्जिट्स होते हैं क्या होते हैं यहाँ पर तीन सिनर्जिट्स होते हैं और ये एग सेल है मतलब दो सिनर्जिट होते हैं और एक अपना एग सेल प्रेजेंट रहता है दो सिनर्जिट मॉलिक्यूल होते हैं और एक एग सेल इसको हम बोलते हैं एग पैरेटस इसको हम क्या बोलते हैं एग पैरेटस मतलब सिनर्जिट्स प्लस एग सेल ये आपके सिनर्जिट्स है ठीक है तो सिनर्जिट्स प्लस एग सेल आर नोन एज एग पैरेटस और ऊपर की तरफ हमने क्या देखा था ये मैं एक ओव्यूल के अंदर की बात कर रही हूँ ठीक है ये ओव्यूल की हम एक बात कर रहे हैं यहाँ पर हमने देखा था कि एंटीपोडाल सेल्स प्रेजेंट होते हैं क्या प्रेजेंट होते हैं एंटीपोडाल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और बीच में सेकेंडरी न्यूक्लिया प्रेजेंट होता है बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं दो न्यूक्लिया एक साथ फ्यूज हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लिया ठीक है तो ऐसे टोटल हमको सेवन सेल्स टोटल हमको क्या देखने को मिल रहा है सेवन सेल्स और एट न्यूक्लिया क्या देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पर सेवन सेल्स और एट न्यूक्लिया का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ऊपर के तीन सेल्स नीचे के तीन सेल्स और बीच में एक सेल है लेकिन इस एक सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इस एक सेल में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियर स्टेज क्या बोलते हैं इसको हम सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियर स्टेज हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था सिनरजिट का फंक्शन क्या होता है इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब Synergids को हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस और सिनर्जिट्स किसमें हेल्प करता है पोलन ट्यूब के अंदर लेने में पोलन ट्यूब को अंदर लेने में ये सिनर्जिट्स हेल्प करते हैं तो देखो ये आपने देखा ओव्यूल का स्ट्रक्चर अभी हम देख लेते हैं कि पोलन ट्यूब स्टिग्मा के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है मैं एक मिनट ये पूरा इरेज कर दू वन मिनट यही दिक्कत है इसमें फटाफट से इरेज नहीं होता है जस्ट गिवी मिनट ओके ठीक है तो हमने क्या बोला कि हमारा जो फीमेल ओव्यूल होता है उस ओव्यूल में सेवन सेल्स होते हैं और एट न्यूक्लिया होता है ठीक है सेवन सेल है और एट न्यूक्लिया होता है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा क्या पढ़ने जा रहे हैं हम कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा तो आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी हमारी ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है ये ओवरी है और इसके अंदर जो ओव्यूल है इस ओव्यूल में यहां पर आपके प्रेजेंट है और एग सेल प्रेजेंट है और यहाँ पर आपके सेल्स प्रेजेंट है और बीच में आपके सेकेंडरी है, है? तो ये जो फीमेल ओवरी है, इस ओवरी के जो होता है मतलब इमेजिन करो ये स्टाइल है देखो इधर से मैं इरेज करती हूँ स्टाइल को प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं हाँ तो देखो ये आपका स्टाइल बन जाएगा और ये बन जाएगा स्टिग्मा इस स्टिग्मा के ऊपर फिलामेंट मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन ग्रेन्स आकर इस स्टिग्मा के ऊपर बैठेंगे किसके ऊपर बैठेंगे इस स्टिग्मा <टीख> के ऊपर आपके पोलन ग्रेन आकर बैठेंगे ठीक है इधर देखो ये पोलन ग्रेन बैठ गए अब एक एक स्टिग्मा के ऊपर से ज्यादा पोलन हो सकते हैं लेकिन कौन सा पोलन ग्रेन अंदर जाएगा जा कौन सा पोलन ग्रेन अपने पिस्टल के अंदर जाएगा ये डिसाइड करता है स्टिग्मा स्टिग्मा के ऊपर क्या प्रेजेंट है देखो ये आपका स्टिग्मा है ये स्टाइल है और ये ओवरी है ठीक है तो ये जो स्टिग्मा है इस स्टिग्मा के पास क्या प्रेजेंट है हा इधर देखो ये जो स्टिग्मा है इस स्टिग्मा के पास प्रेजेंट होता है सुबर शुगर क्या प्रेजेंट होता है इसके पास सुबेरीन शुगर होती है तो इसके ऊपर जब भी कोई पोलन ग्रेन आके बैठता है क्या आके बैठता है इसके ऊपर जब भी कोई पोलन ग्रेन आकर बैठता है समझो इमेजिन करो ऐसे दो पोलन ग्रेन बैठे हैं उसके ऊपर क्या बैठे हैं ऐसे दो पोलन ग्रेन आकर बैठे हैं लेकिन इन दोनों पोलन ग्रेन में से जो पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज का होगा जो पोलन ग्रेन अपने फीमेल फ्लावर के सेम स्पीशीज का होगा उस पोलन ग्रेन को हम कंपैटिबल पोलन ग्रेन बोलेंगे क्या बोलेंगे उस पोलन पोलन ग्रेन ग्रेन को हम कंपैटिबल बोलेंगे तो जो पोलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा के ऊपर आके बैठा है ये पोलन ग्रेन क्या करेगा स्टिग्मा के अंदर का जो शुगर सोलूशन है वो सक करने लगेगा ये पोलन ग्रेन क्या करेगा स्टिग्मा का सारा का सारा कंपैटिबल पोलन ग्रेन हा कौन सा पोलन ग्रेन कंपैटिबल पोलन ग्रेन यानी सेम स्पीशीज का पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा सारा का सारा शुगर सोल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेगा और जब पोलन ग्रेन के अंदर शुगर सोल्यूशन भर जाएगी तो हमने कल क्या पढ़ा था कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है ऐसा पोलन ग्रेन रहता है और इसके बाहर दो लेयर्स होती हैं एक्साइन और इंटाइन ऐसे करके कल हमने पढ़ा था ना ये इसको बोलते हैं एक्साइन और अंदर की लेयर को बोलते हैं इंटाइन अंदर की लेयर को क्या बोलते हैं इंटाइन ठीक है तो जब आपका ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर बैठा है किसके ऊपर बैठा है ये पोलन ग्रेन ऐसे स्टिग्मा के ऊपर बैठा है और ये है आपका स्टाइल और ये है ओवरी ठीक है तो ये जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर बैठा है स्टिग्मा के अंदर क्या है शुगर मॉलिक्यूल्स है मतलब सुबेरीन शुगर है कौन सी शुगर है सुबेरीन शुगर है स्टिग्मा के अंदर सुबेरीन शुगर है ये शुगर पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा ये शुगर क्या होगा

यहाँ पर आपका एग्जाइन है और ये आपका जर्म पोर है तो ये जो जर्म पोर है इस जर्म पोर से आपका ये इंटाइन वाला लेयर ब्रेक हो जाएगा इंटाइन वाला लेयर ब्रेक होके क्या होगा वन मिनट हां

एंटर करेगी अब ये स्टिग्मा के अंदर जाएगी और स्टिग्मा के थ्रू होते हुए ये अपने ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा ओव्यूल यहाँ पर तीन एंटीपोडाल सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, पर एग सेल प्रेजेंट है समझ में आ रही है बात बच्चा लोग पढ़ो बच्चा लोग लेक्चर में ध्यान दो कमेंट्स पे झगड़ा मत करो ठीक है ओके तो हमने क्या बोला कि आपका यहाँ पर पोलन पिस्टल इंटरक्शन में क्या हो रहा है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको हम बोलते हैं पिस्टल पिस्टल का जो स्टिग्मा वाला रीजन है स्टिग्मा के पास जो एक्स्ट्रा शुगर प्रेजेंट होती है सुबेरीन शुगर वो सुबेरीन शुगर आपके पोलन पोलन ग्रेन में एंटर होती है और पोलन ग्रेन जब एक्सेस शुगर एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी इंटाइन के

इंड बाई दी स्पेशल प्रोटीन एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व पोलन रेकग्निशन फॉलोड बाई प्रमोशन ऑफ इनिबिशन ऑफ पोलन मतलब क्या बोला गया यहाँ पर हमको कि सिर्फ और सिर्फ कंपैटिबल पोलन ग्रेन ही पोलन ट्यूब बना पाएगा कंपैटिबल पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा के ऊपर बैठा है तो वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा का सारा जूस एब्जॉर्ब कर लेगा और पोलन ट्यूब निकलेगी उस पोलन ट्यूब में पोलन uh, ग्रेन में से लेकिन अगर कोई दूसरे स्पीशीज का पोलन ग्रेन आकर अपने स्टिग्मा पे बैठ गया मतलब इमेजिन करो ये देखो ये जो डार्क कलर का मैं बना रही हूँ इमेजिन करो ये कोई दूसरे स्पीशीज का पोलन ग्रेन है तो ये पोलन ग्रेन दूसरे स्पीशीज का होने के वजह से ये कंपैटिबल नहीं है कंपैटिबल यानी कि दूसरे स्पीशीज का है जैसे जेनेटिक कैरेक्टर्स नहीं है तो ये कंपेटिबल नहीं है इस वजह से ये जूस एब्जॉर्ब नहीं करेगा और जूस एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो इसमें से पोलन ट्यूब भी नहीं बनेगी पोलन ट्यूब नहीं बनेगी तो मेल गैमेट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचेंगे ही नहीं और अगर मेल गैमेट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक नहीं पहुंचेंगे तो आगे का फर्टिलाइजेशन होने का सवाल ही नहीं उठता है तो पोलन पिस्टल इंटरक्शन में हमेशा याद रखो कंपेटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यानी सेम स्पीशीज का पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा के ऊपर आकर बैठा है तो ही तो ही पोलन पिस्टल इंटर होगा अगर अलग स्पीशीज का पोलन ग्रेन गलती से आ गया तो यहां पर आपका पोलन पिस्टल इंटर नहीं होगा ओके okay? ऑल right. ठीक है सो so, इतना समझ में आया आपको कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है कंपैटिबिलिटी सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सा पोलन ग्रेन कंपैटिबल है कौन सा पोलन ग्रेन कंपैटिबल नहीं है ये कौन चेक करता है स्टिग्मा चेक करता है क्योंकि स्टिग्मा के अंदर जो शुगर है वो शुगर पोलन ग्रेन के साथ अगर रिएक्ट करेगी तो ही मतलब वो कंपेटिबल स्पीशीज है अगर पोलन ग्रेन के शुगर और स्टिग्मा की शुगर मैच नहीं हुई तो पोलन ट्यूब नहीं बनेगा और अगर पोलन ट्यूब नहीं बना तो पोलन पिस्टल इंटर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा यानी कि आगे हमको सीड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा ही नहीं तो आपको पोलन पिस्टल अच्छे से समझ में आया है चलो अब मैं डाउट्स ले लेती हूँ शेखर पोलन ट्यूब एंटर इन द माइक्रोपाइल एंड ऑफ ओव्यूल करेक्ट पोलन ट्यूब जो बनती है वो माइक्रोपाइल एंड से एंटर करती है लेकिन कभी कभी पोलन ट्यूब दूसरे एंड से भी एंटर कर सकती है इंटीग्यूमेंट के बीच में से भी एंटर हो सकती है चलाजल एंड से भी एंटर हो सकता है हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे ठीक है किसी को और कुछ डाउट है ओके मंगल सो पोलन पिस्टल इंटरक्शन मीन्स फर्स्ट पोलन ग्रेन कम फ्रॉम दी एंथर एंथर में से पोलन ग्रेन आएगा स्टिग्मा के ऊपर बैठेगा एक स्टिग्मा के ऊपर बहुत सारे पोलन ग्रेन आकर बैठ सकते हैं मतलब ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पर आपका ये जो स्टिग्मा है इस स्टिग्मा के ऊपर बहुत सारे बैठे ऐसे बहुत सारे पोलन ग्रेन बैठे तो इतने सारे पोलन ग्रेन में से कौन सा पोलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन दिखाएगा जो कंपेटिबल होगा सिर्फ और सिर्फ वही पोलन ग्रेन आगे पोलिनेशन करेगा तो पोलन पिस्टल इंटरक्शन में क्या होता है आपके स्टिग्मा के ऊपर बहुत सारे पोलन आकर बैठते हैं लेकिन जो सेम स्पीशीज का पोलन होगा के प्रति वही पोलन स्टिग्मा का शुगर एब्जॉर्ब करेगा स्टिग्मा का शुगर एब्जॉर्ब करके पोलन ट्यूब बनाएगा और वो पोलन ट्यूब अपने ओवरी के अंदर एंटर करेगी और ओव्यूल तक पहुंचेगी ये होता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में यानी पॉलिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब ये दो प्रोसेस होते हैं पोलिन पिस्टल इंटरेक्शन में ओके क्रॉस में नया प्लांटी मिलेगा ना बेटा क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग पोलन -अलग आ रहे हैं देखो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है बायसेक्सुअल फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है बायसेक्सुअल फ्लावर्स एक ही फ्लावर में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइजेशन दिखा रहे हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन मतलब सेम स्पीशीज लेकिन दो अलग अलग प्लांट्स के अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दू सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है एक मिनट रुको सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही फैमिली मेंबर्स आपस में शादी कर रहे हैं भाई बहन आपस में शादी कर रहे हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जांपल है और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन किसी दूसरी फैमिली किसी दूसरे कास्ट वाले या किसी दूसरी फैमिली से मतलब उनका शादी हो रहा है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया स्पीशीज सेम है एक ह्यूमन की शादी दूसरे ह्यूमन से ही हो रही है लेकिन फैमिली अलग अलग है प्लांट अलग अलग है तो सेल्फ पॉलिनेशन फ्लावर में जो होता है और क्रॉस यानी दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में जो होता है अब ये जो प्लांट है और ये जो है, ये जो प्लांट है है दोनों अलग अलग है, तो इनके जेनेटिक कैरेक्टर्स थोड़े से डिफरेंट होंगे स्पीशीज भले ही सेम है लेकिन जेनेटिक कैरेक्टर्स अगर थोड़े से भी डिफरेंट है तो आपको न्यू वेराइटी देखने को मिलेगी और जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलते हैं इसको हम हाइब्रिडाइजेशन ओके okay. शेखर, इट विल लीड टू हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस पॉलिनेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वेरिएशन शिवानी अगर दो कंपैटिबल पोलन ग्रेन आपके स्टिग्मा के ऊपर बैठेंगे तो जो सबसे फास्ट शुगर एब्जॉर्ब करेगा वो पोलन ट्यूब अंदर एंटर करेगी ओके okay. और किसी को कुछ डाउट है चलो आगे बढ़ते हैं देखो अगर मैं पिछले वाला टॉपिक बार 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 रिपीट करती रहूंगी तो हमारा चैप्टर कभी खत्म नहीं होगा और मुझे यह चैप्टर खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करना है ठीक है ओके चलो आगे बढ़ते हैं तो अब बारी आती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वन मार्क के लिए यह शॉर्ट नोट आ सकता है ठीक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है ओके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन मतलब मतलब क्या होता है सबसे पहले तो वर्ड का मतलब समझो हमने कल ही देखा था क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या होता है दो अलग अलग स्पीशीज के मतलब सॉरी दो अलग अलग प्लांट्स सेम स्पीशीज के जब साथ में रिप्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन तो हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन ओके हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन वन सेकेंड तो ये नेचुरल तरीके से कैसे होता है ये हमने कल पढ़ा मतलब यूनिसेक्सुअलिटी डाइकोगेमी प्रीपोटेंसी, हरकोगेमी, हर्कोगेमी हेट्रोस्टाइली ये अलग अलग डिवाइजेज हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन करने में हेल्प करती है लेकिन आज हमको यहाँ पर स्पेसिफिकली एक नया टेक्निक दिया गया है यहाँ पर हमको एक नया टेक्निक दिया एक मिनट क्या हो रहा है यहाँ पर ठीक है हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको एक नया टेक्निक बताया गया है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है जो आप अपने हाथ से करते हो मतलब जब कोई ह्यूमन कोई मैन मेड रिसोर्स जब कुछ चेंजेस करता है तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग समझो हाइब्रिडाइजेशन मींस फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट्स ओके हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन मींस क्रॉस क्रॉस मतलब क्या होता है पॉलिनेशन तो जब आप क्रॉस पॉलिनेशन करते हो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं लेकिन अगर वो हाइब्रिडाइजेशन नेचुरल तरीके से हो रहा है मतलब नेचर की मदद से हो रहा है तो वो नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन होगा उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे लेकिन अगर आपका

कोई पर्टिकुलर टाइप का प्लांट चाहिए आपको अच्छे वेराइटी वाला प्लांट चाहिए आपको कोई ऐसा प्लांट ग्रो करना है आपको कोई ऐसा प्लांट ग्रो करना है जो अः डिजीज रेजिस्टेंट हो मतलब कैसा प्लांट ग्रो करना है जो डिजीज रेजिस्टेंट हो मतलब जिसमें जल्दी बीमारी ना लगे और जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा हो मतलब समझो मुझे ऐसा गन्ना उगाना है ऐसे गन्ने की खेती करनी है जिसमें शुगर कंटेंट भी ज्यादा हो और जो ज्यादा डिजीज रेजिस्टेंट भी ना हो तो मैं क्या करूंगी मैं दो ऐसे प्लांट्स लूंगी एक प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंट की कैपेसिटी है और एक प्लांट शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा देता है देखो ये डी है हा? क्या बोला हमने एक प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट है और दूसरे प्लांट में शुगर कंटेंट ज्यादा है तो मैं क्या करूंगी मैं इस प्लांट का मेल पार्ट ले लूंगी मतलब इस प्लांट का पोलन ग्रेन ले लूंगी और ये पोलन ग्रेन मैं इस प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर बिठा दूंगी ये पोलन ग्रेन मैं इस प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर बिठा दूंगी तो इसके वजह से मुझे जो न्यू सीड मिलेगी ये सीड जब मैं ग्रो करूंगी तो मुझे कैसे टाइप का प्लांट मिलेगा जैसा मुझे चाहिए था मतलब ये डिजीज रेजिस्टेंट भी रहेगा और इसमें शुगर कंटेंट भी ज्यादा होगा तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम कब करते हैं जब हमको हमारे हिसाब से नया प्लांट चाहिए यानी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला प्लांट चाहिए मुझे जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए मैं उसी कैरेक्टरिस्टिक्स का सीड मिक्स करूंगी और नया सीड बनाऊंगी तो ऐसे टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जिसमें पोलन ग्रेन्स को हम अपने हाथ से उठाकर स्टिग्मा के ऊपर बिठाते हैं सो पोलन ग्रेन्स आर हैंड पॉलिनेटेड एंड यूज फॉर फर्टिलाइजेशन दिस इज अकम्पलिश थ्रू का इमेस्क्यूलेशन एंड बैगिंग प्रोसीजर देखो इमेस्क्यूलेशन मतलब क्या होता है अच्छे से समझो मैं बताती हूँ इमेस्क्यूलेशन इसका डेफिनेशन पूछा जाता है बच्चों बोर्ड एग्जाम में इमेस्क्यूलेशन का डेफिनेशन पूछा जाता है बोर्ड में तो अच्छे से समझ के लो मैं क्या बताने जा रही हूँ ओके ओके, तो इमेस्क्यूलेशन सुनो क्या होता है इमेस्क्यूलेशन यानी कि बेटा ये लैपटॉप में ना हैंडराइटिंग जज नहीं करने आता है मतलब लैपटॉप में हम पेन टैप से लिख रहे हैं ना तो वो अल्फाबेट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं इस वजह से ठीक है ना राइटिंग अगर खराब है तो आप लोग अच्छी राइटिंग निकालो क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है मेरा बोर्ड एग्जाम हो चुका है ठीक है आपकी राइटिंग इंपॉर्टेंट है तो आप लोग अच्छी राइटिंग निकालो तो अच्छा रहेगा ठीक है ओके ओके तो इमेस्क्यूलेशन मतलब क्या होता है यहाँ पर सानिया खान ने करेक्ट आंसर दिया है इमेस्क्यूलेशन यानी कि रिमूवल ऑफ एंथर ओके ऑल राइट so, मतलब क्या होता है समझो ऐसा एक बाइसेक् फ्लावर है आपके पास ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रही हूँ ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा आपके पास एक फ्लावर है जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है मतलब ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा और इसी फ्लावर के पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है मतलब ऐसा फिलामेंट और ऐसा एंथर और इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स है ठीक है हमने क्या बोला हमको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है क्या करना है हमको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है मतलब ऐसा कोई एक नया पोलन ग्रेन है मतलब ये एंथर है मुझे इसके पोलन ग्रेन यूज करने हैं मुझे ये वाला पोलन ग्रेन यूज करना है फर्टिलाइजेशन करने के लिए लेकिन अगर ऐसा फ्लावर है तो ये फ्लावर में क्या होगा अगर मैं ये नया पोलन ग्रेन इसके ऊपर रखती हूँ तो इसके खुद का पोलन ग्रेन भी इस स्टिग्मा के ऊपर आकर बैठ सकता है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि जो नया प्लांट मुझे मिल रहा है वो आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज किया हुआ है या सेल्फ पोलिनेशन किया हुआ है देखो ध्यान से समझो मैं क्या बोल रही हूँ सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है आपका जो बायोसेक्सुअल फ्लावर है इसी फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है अगर सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर बैठ गया

रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्रॉम अ फ्लावर फ्रॉम अ अक्सुअल फ्लावर आपको जब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना होता है तो आप बायोसेक्सुअल फ्लावर में से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिमूव कर देते हो तो अब इससे क्या होगा बाहर से जो मैं पोलन ग्रेन ला रही हूँ सिर्फ और सिर्फ वही पोलन ग्रेन इसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा और पहले आप चेक कर लेना आपको एकदम आप तो ही, तो ही, ही बाहर का दुनिया का पोलन ग्रेन लेके आओगे तो वो आपके स्टिग्मा के साथ फ्यूज नहीं होगा अगर फ्यूज कर गया तो नया इन्वेंशन हो जाएगा ठीक है तो कंपेटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आर्टिफिशियल में हम क्या करते हैं अपने हाथ से बाहर का उठाकर स्टिग्मा के ऊपर बिठाते हैं लेकिन स्टिग्मा के ऊपर जब ये बाहर से पोलन ग्रेन लाकर आप बिठाओगे तो इस फ्लावर का खुद का अगर ये बायसेक्सुअल फ्लावर है अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में तकलीफ ही नहीं होगी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आसान होता है बायसेक्सुअल फ्लावर में प्रॉब्लम आती है क्योंकि बायसेक्सुअल फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है अब मुझे बाहर का पोलन ग्रेन लाके बिठाना है तो इस फ्लावर का खुद का पोलन ग्रेन पहले निकालना पड़ेगा तो जब आप अपने फ्लावर का अंदर का पोलन ग्रेन निकाल दोगे तो इस निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इमेस्क्यूलेशन और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर ये जो पोलन और स्टिग्मा मिक्स हो गया है मतलब मैंने बाहर से जो पोलन ग्रेन लाया वो मैंने स्टिग्मा के ऊपर बिठा दिया तो अब इसके ऊपर मैं एक बैग लगा दूंगी एक प्लास्टिक बैग देखो ये मेरा स्टिग्मा था ओके ये ओवरी और ये स्टाइल ठीक है और यहाँ पे मैंने क्या किया ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था इसको मैंने कट करके रिमूव कर दिया इमेस्क्यूलेशन कर दिया और इसके ऊपर मैंने बाहर का पोलन ग्रेन बिठा दिया है क्या कर दिया इसके ऊपर मैंने बाहर का पोलन ग्रेन बिठा दिया है तो अब ये जो स्टिग्मा है और ये जो पोलन ग्रेन है सी दिस स्टिग्मा मैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बता रही हूँ ठीक है ये जो पोलन ग्रेन है जो मैंने बाहर से उठाया वो और जो मेरे ओरिजिनल प्लांट का स्टिग्मा है वो ये दोनों एक साथ फ्यूज हो जाएंगे और इन दोनों को मतलब सिर्फ इन दोनों के बीच में ही रिप्रोडक्शन हो इसलिए हम क्या करेंगे इसके ऊपर एक प्लास्टिक बैग लगा देंगे तो ये प्लास्टिक बैग के वजह से अब बाहर का कोई भी पोलन ग्रेन उड़कर अपने स्टिग्मा के साथ नहीं बैठ पाएगा इस प्लास्टिक बैग को नीचे से थोड़ा सा ओपन रहने देते हैं ताकि ऑक्सीजन मिलता रहे ओके तो बैगिंग एंड इमेस्क्यूलेशन में ये दो प्रोसीजर बता रही थी इमेस्क्यूलेशन मतलब रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्रॉम अ

It depends. If you want to remove the filament, you can remove the filament also. Because if you remove the filament, filament. Okay. Everybody understood? Compatibility is detected by stigma. स्टिग्मा मतलब आप केमिकल रिएक्शन करके देखते हो जिस स्टिग्मा के वजह से पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब बनेगी वो पोलन ग्रेन और, और के के मतलब okay, स्टिग्मा को समझ में आ गया गुड ओके okay, चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में इसको भी डबल स्टार मार्क कर लो मोहम्मद अंसारी मैंने अभी कंपैटिबिलिटी का ही आंसर एक फ्यूज करके देखो अगर पोलन ट्यूब मतलब नहीं निकल रहा है मतलब वो पोलन ग्रेन कंपैटिबल नहीं है बहुत सारे केमिकल टेस्ट होते हैं वो अभी आपको पता करने की जरूरत नहीं है सिर्फ इतना याद रखो कंपैटिबिलिटी मतलब जेनेटिकली सिमिलर होने चाहिए तो ही आपका पोलिनेशन होगा ओके okay? ऑल ऑल राइट राइट चलो आगे बढ़ते हैं तो अब हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या ये वर्ड डबल का मतलब क्या होता है देखो ये कॉन्सेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके लिख लो इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आएगा ही आएगा ओके okay? और ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डायग्राम आपको करके जाना ही जाना है एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का डायग्राम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट का डायग्राम और डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम ये पांच डायग्राम इस चैप्टर में से एक ना एक मैं लिख कर दे रही हूँ एक ना एक डायग्राम हंड्रेड पूछेंगे आपको ठीक है दो से तीन मार्क्स के लिए तो ये डायग्राम आपको करने ही करने हैं ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं हम्म फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करने से पहले आपको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर एक बार फिर से याद दिला देती हूँ क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन का डायरेक्ट आंसर रिलेटेड है पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर से जिनको याद है उनका फटाक से रिवीजन हो जाएगा मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी ये टॉपिक मुझे आज खत्म करना ही है ओके तो देखो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमने कैसा पढ़ा था वन मिनट येस डन तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमने कैसा पढ़ा था ऐसा अपना पोलन ग्रेन होता है ओके? Okay? और इसके इसके बाहर okay? इस पोलन ट्यूब में क्या प्रेजेंट है दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट है डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं हम क्योंकि आपके पोलन ग्रेन से दो मेल गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं ओके okay. ओके okay. so, क्या बोला हमने कि डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला जाता है इस प्रोसेस को क्योंकि आपका जो मेल गैमेट है आपका जो पोलन ग्रेन है इस पोलन ग्रेन में दो मेल गैमेट फॉर्म हो रहे हैं देखो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ये प्रोसेस अच्छे से बताती हूं मैं डबल फर्टिलाइजेशन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ओके इट इट इज ऑब्सर्व इन फ्लावरिंग प्लांट्स प्लांट एनजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये देखा जाता है एनजियोस्पर्म मतलब जिनके सीड्स क्लोज होते हैं और जिनमें फ्लावर बनते हैं और जिम्नोसपर्म्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर प्रोडक्शन नहीं होता है और जिनके सीड्स ओपन होते हैं जैसे स्ट्रॉबेरी ओके तो डबल फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और ये इधर पे एग्जाम्पल दिया गया है लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया का जिनमें ये डबल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है तो देखो डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है आफ्टर अ पोलन ट्यूब रीच द सर्फेस ऑफ द स्िग्मा इट जर्मिनेट्स एंड फॉर्म अ पोलन ट्यूब देखो क्या होता है आपका ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर बैठता है देखो ये आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है ओके okay? यहाँ पर यह ओवरी ये स्टाइल और ये स्टिग्मा ये स्टिग्मा है इस स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ट्यूब बैठा है पोलन ग्रेन बैठा है इस पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब बनेगी क्या बनेगी इस पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब बनेगी और ये पोलन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है दो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है इस पोलन ट्यूब के अंदर दो पोलन ग्रेन प्रेजेंट है तो ये जो पोलन ग्रेन है ये पोलन ट्यूब अंदर एंटर करेगी अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर देखो इधर देखो ये डायग्राम थोड़ा सा ना मैं जूम करती हूँ इसको ठीक है आई होप अब दिखाई दे रहा है सबको जूम हुआ ना बच्चा ओके okay. हाँ। तो देखो इधर पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये आपका स्टिग्मा है और ये आपका पोलन ग्रेन है पोलन ग्रेन ने जब आपका सारा का सारा स्टिग्मा का सारा का सारा जूस एब्सॉर्ब कर लिया शुगर एब्जॉर्ब कर लिया तो इस पोलन ग्रेन में से क्या बनेगा पोलन ट्यूब निकलेगा इस पोलन ग्रेन में से क्या निकलेगा आपका पोलन ट्यूब निकलेगा और ये पोलन ट्यूब अब देखो कहाँ जा रहा है ये पोलन ट्यूब जा रहा है ओवल ओव्यूल के पास ये पोलन ट्यूब कहां पर जा रहा है ये पोलन ट्यूब जा रहा है ओव्यूल के पास अब ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा ठीक है ये पोलन ट्यूब कहां पर एंटर करेगा ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा लेकिन ओव्यूल के अंदर एंट्री करने के तीन अलग अलग रास्ते होते क्या बोला हमने यहाँ पर ओव्यूल के अंदर एंटर करने के लिए तीन अलग अलग रास्ते होते हैं एक होता है पोरोगी एक होता है चलेजोगी और एक होता है मीसोगी देखो तीनों का डायग्राम इधर पे दिया गया है अगर आपका सॉरी 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 ज्यादा ऊपर चला गया हाँ देखो ये आपका पोलन ट्यूब है हाँ? यह देखो पोलन ट्यूब के ऊपर फोकस करो अगर आपका पोलन ट्यूब ओव्यूल के माइक्रोपाइल एंड से अंदर जा रहा है अगर आपका पोलन ट्यूब अगर पोलन ग्रेन का पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल मतलब जैसे ट्रेडिशनली होना चाहिए अगर वैसा हो रहा है अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से अंदर जा रहा है तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे पोरोगैमी क्या बोलेंगे ऐसे प्रोसेस को तो हम पोरोगैमी यानी करेक्ट तरीके से पोलन ट्यूब अंदर एंटर कर रहा है ठीक है मतलब पोलन ट्यूब जो ऊपर से आया है पोलन ट्यूब यहां से जो आया वो ऐसे घूम के माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर जा रहा है ठीक है अगर अपना पोलन ट्यूब चलाजा लैंड से अंदर जाएगा समझो यहां पे ट्यूब था और ये पोलन ट्यूब पूरा घूम के नहीं डायरेक्ट शॉर्टकट लिया उसने और चलाजा लैंड से वो अंदर गया तो ऐसे टाइप के प्रोसेस को हम बोलेंगे चलाजोगेमी यानी कि आपका पोलन ट्यूब जो है वो चलाजा लैंड से अंदर जा रहा है और अगर आपका पोलन ट्यूब से से अंदर जा रहा है, मतलब से अगर ये अंदर जा जा रहा रहा है है मतलब मतलब रीजन अगर ये पर आपका पोलन ग्रेन था और यहां से पोलन ट्यूब बीच में से शॉर्टकट ले रहा है तो ऐसे टाइप के प्रोसेस को हम बोलेंगे मीसोगी यानी मिडल लेयर्स के थ्रू अंदर जा रहा है तो हमारा मेन कंसर्न क्या है पोलन ट्यूब कहीं से भी अंदर जाए पर वो ओव्यूल तक पहुंचना चाहिए पोलन ट्यूब को किस तक पहुंचना है ओव्यूल तक पहुंचना है क्योंकि ओव्यूल के पास ही आपका एग सेल है ओव्यूल के पास आपका क्या है है एग सेल है। और जब तक ये पोलन ट्यूब एग सेल तक नहीं पहुंचेगा तब तक मेल गैमेट्स किसके साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे पोलन ट्यूब के पास मेल गैमेट्स है और एग सेल फीमेल गैमेट है जब तक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं हो जाते जाइगोट नहीं बनेगा जयगोट ही आगे जाके सीड बनने वाला है तो पोलन ट्यूब एंट्री कहीं से भी कर सकता है अगर पोलन ट्यूब ने माइक्रोपाइल एंड से एंट्री की तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पोरोगैमी अगर पोलन ट्यूब चलाजल एंड से एंटर कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे चलाजोगी और अगर पोलन ट्यूब मिडल इंटिगुमेंट से एंटर कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे मीसोगी ठीक है ओके सो so, कहीं से भी एंटर करे बट एक बार अगर पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंच गया तो क्या होगा देखो इधर पे एक बार अगर हमारा पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंच गया तो क्या होगा यस पी यस सी एवरीबडी एक बार अगर हमारा पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंच जाता है तो अब ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है ओव्यूल के नीचे वाले स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है यह आपका ओव्यूल है यहां पर दो सिनरजिट्स प्रेजेंट हैं और बीच में एग सेल है यहाँ पर दो सिन है और बीच में एग सेल है एग सेल को हम बोलते हैं फीमेल गैमेट एग सेल को हम क्या बोलते हैं फीमेल गैमेट दिस इज फीमेल गैमेट और ओव्यूल के ऊपर की तरफ एंटीपोडाल सेल्स है क्या प्रेजेंट है ओव्यूल के ऊपर की तरफ एंटीपोडाल सेल्स है ओके और बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है बीच में क्या प्रेजेंट है सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इतनी मेहनत से ये जो पोलन ट्यूब इधर तक आया है क्या बोला हमने इतनी मेहनत से आपका पोलन ट्यूब ओवरी तक पहुंच गया है तो हाँ इतनी मेहनत से हमारा जो पोलन ट्यूब ओवरी तक आया है अब ये पोलन ट्यूब अंदर एंटर कैसे करेगा ट्यूब अंदर जब एंटर करेगा तो ये जो सिनर्जेट्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट था और जो थोड़े बहुत शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे ये सिनर्जेट बर्स्ट हो जाएगा जब ये सिनर्जेट बर्स्ट होगा तो पोलन ट्यूब उसके अंदर का सारा न्यूट्रिशन सक कर लेगा देखो ये पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंच गया है यहां तक ओव्यूल की एंट्री तक पहुंच गया है ये पोलन ट्यूब लेकिन अब वो ओव्यूल के अंदर कैसे जाएगा सवाल वो है कि हमारा पोलन ट्यूब ओव्यूल के, के अंदर तक कैसे जाएगा तो ओव्यूल के नीचे वाले एंड में क्या होते हैं सिनर्जिट्स प्रेजेंट होते हैं और सिनर्जिट्स के अंदर क्या होता है न्यूट्रिशन होता है मतलब वॉटर और शुगर कंटेंट प्रेजेंट होता है

शेखर रेड्डी चलाजा एंड इंटीग्यूमेंट्स चलाजा और इंटीग्यूमेंट एकदम सॉफ्ट टिश्यूज से नहीं बनते हैं दे आर ऑल्सो लिटिल हार्ड मतलब वो भी पैरेंट कामा टिश्यू से ही बनते हैं बट दे आर लिटिल हार्ड माइक्रोपाइलर एंड ओपन रहता है और इंटीग्यूमेंट्स चल, और चलाजा लैंड पैरेंट का टिश्यू से बनते हैं ओके ओके, okay. so, हमने क्या बोला कि आपका जो पोलन ट्यूब है ये पोलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमेट थे ये पोलन ट्यूब ने सिनर्जिट को बर्स्ट किया और ओव्यूल के अंदर एंट्री ले ली जैसे ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर होता है एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होके गैमी कर देता है एक मेल गैमेट क्या हो जाता है फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है और हमको जयगोर्ट फॉर्मेशन देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है हमको जयगोर्ट फॉर्मेशन मतलब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ये हो गया फर्स्ट फर्टिलाइजेशन मतलब एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो गया तो ये हो गया फर्स्ट फर्टिलाइजेशन अब ये जो दूसरा मेल गैमेट है ये दूसरा मेल गैमेट आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन दिखाएगा किसके साथ फ्यूजन दिखाएगा ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन दिखाएगा? दिखाएगा देखो इधर पे लिखा गया है ये जो हमारा सेकेंड मेल गैमेट था सेकेंड मेल गैमेट जो था ये सेकेंड मेल गैमेट और आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस ये दोनों अब एक साथ फ्यूज हो जाएंगे देखो

दो न्यूक्लिया थे और मेल गैमेट जो एक मेल गैमेट है उस मेल गैमेट से एक मिनट जो दूसरा मेल गैमेट था उसके पास एक न्यूक्लिया था तो ये दो और ये एक ये दोनों मिलके के थ्री एन वाला ट्रिपल फ्यूजन दिखाते हैं और ये ट्रिपल फ्यूजन आगे जाके एंडोस्पर्म बनता है ये ट्रिपल ट्रिपल फ्यूजन आगे जाके क्या बनता है एंडोस्पर्म बनता है और इसी एंडोस्पर्म से हमारे जायगोट को न्यूट्रिशन मिलता है इस एंडोस्पर्म से हमारे जायगोट को क्या मिलता है न्यूट्रिशन मिलता है तो इस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं हम इसको देखो यहाँ पर आपको

क्या बोल रही हूँ मैं आपका जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस और जो सेकेंड मेल गैमेट है ये सेकेंड मेल गैमेट ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहे हैं और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस थोड़ा मेच्योर हो जाता है और मेच्योर होके इसको ही हम बोलते हैं ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म और ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म हमारे जाइगोट को सॉरी <coughs>

डबल फर्टिलाइजेशन का यहाँ पर दो स्पीशीज बताया है अम, अम्बरीन शाहीन अंसारी लिलियम स्पीशीज और फ्रिटेलेरिया स्पीशीज में डबल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है ओके okay, अंकुश का क्वेश्चन है मैम व्हाट हैपन व्हेन देयर इज ओनली सिंगल फर्टिलाइजेशन अगर सिंगल फर्टिलाइजेशन होगा तो समझो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ लेकिन उसको खाना कौन देगा देखो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक gamit, एक मेल गैमेट गैमेट फीमेल के साथ मिलके बनाता है पर ये जायोड खुद का न्यूट्रिशन खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता उसको न्यूट्रिशन रेडीमेड मिलना चाहिए तो उसको रेडीमेड न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा एंडोस्पर्म से तो सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन होता है यानी ट्रिपल फ्यूजन ट्रिपल फ्यूजन अगर नहीं होगा तो आपके जायगोट को खाना नहीं मिलेगा को खाना नहीं मिलेगा तो वो जायोड डेवलप नहीं होगा डेवलप नहीं होगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो सीड नहीं बनेगी यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होगा शिवानी ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूं मैं फीमेल ओव्यूल में एक एग सेल है और बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस है आपके पोलन ट्यूब के पास दो मेल गैमेट होते हैं तो एक मेल गैमेट देखो ये डायग्राम देखो जब एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो जाइगोड बनता है और दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होके एंडोस्पर्म बनाता है क्या बनाता है एंडोस्पर्म बनाता है और ये एंडोस्पर्म का क्या काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना करनागोट को तो इसीलिए दो मेल गैमेट्स कंपलसरी है एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होके जाइोट बनाएगा जो आगे जाके सीड बनेगी लेकिन ये सीड तब बनेगी जब इसका मैच्यशन होगा और इसको मैच्योर होने के लिए एंडोस्पर्म की जरूरत है और एंडोस्पर्म बनाने के लिए सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है और इसीलिए दो बार फर्टिलाइजेशन होता है इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन वेलकम अंकुश ओके देखो बेटा इधर दिया है अंबरीन शाहीन अंसारी द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय नवाज चीन नवाज़ चीन करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये प्रोसेस दिया था ओके अनिकेत इंटीग्यूमेंट न्यूट्रिटिव हेप्लॉइड या डिप्लॉइड नहीं होता है इंटीग्यूमेंट सिर्फ एक न्यूट्रिटिव लेयर है जो पैरेंटमेटिस टिश्यू से बना है वो हेप्लॉइड या डिप्लॉइड नहीं होता है वो सिर्फ एक न्यूट्रिशन लेयर है ओके हेलो आरुष वेलकम टू आवर चैनल ऑलवेज बेटा हम रात में भी करते हैं दिन में भी करते हैं अगर आपको रात में अटेंड नहीं करना है तो आप दूसरे दिन सुबह में देख सकते हो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है चैनल पे ओके okay. ठीक है तो अभी देखो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का इट इज फीचर ऑफ एनजीओ स्पर्म्स ये हमको स्पेसिफिकली एनजीओ स्पर्म्स वाले प्लांट्स में ही देखने को मिलता है It ensures that the parent plant invests a seed with a food store only if the egg is fertilized. Iska matlab kya hota hai? अगर आपका जायगोट बन रहा है तो उस जायगोट के लिए पहले से हम फूड प्रिपेयर करके रखते हैं मतलब ये जो फूड स्टोर है इसका मतलब एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म बनना और कैसे बन रहा है आपका जो सेकेंड मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज होकर एंडोस्पर्म बना रहा है यानी एनजीओस्फॉर्म प्लांट्स क्या करते हैं वो सिंगल फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे अगर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो रहा है मतलब अगर जायगोट बन रहा है तो जायगोट के साथ साथ एंडोस्पर्म भी बनेगा क्योंकि सिर्फ जायगोट बना के फायदा नहीं है क्या फायदा तो अगर बनाया लेकिन उसको खाना ही नहीं दिया वो वो तो तो वेस्ट हो जाएगा वो मर जाएगा मर तो अगर बन रहा है तो के साथ साथ उसका न्यूट्रिशन का सोर्स होना भी जरूरी है और ये चीज हमको डबल फर्टिलाइजेशन में देखने को मिलती है और सेकेंड पॉइंट क्या है इस न्यूट्रिशन है

पिलीफॉर्म ऑपरेटर्स यानी कि सिनरजिट्स अगर सिनरजिट्स बर्स्ट नहीं होंगे तो पोलन ट्यूब अंदर एंटर ही नहीं करेगा पोलन ट्यूब अंदर एंटर ही नहीं करेगा तो मेल गैमेटोब्यूल तक पहुंचेंगे ही नहीं और अगर मेल गैमेटोब्यूल तक पहुंचेंगे ही नहीं तो आगे का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा ही नहीं

पीई यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि वो जो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेकेंड मेल गैमेट के बीच का जो फ्यूजन हो रहा है उसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म टिश्यू उसको हम क्या बोलते हैं एंडोस्पर्म टिश्यू मतलब ये एंडोस्पर्म बनने से पहले वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जब सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेकेंड मेल गैमेट के बीच का फ्यूजन होता है तो उसको भी मेच्योर होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है जैसे वो मेच्योर हो जाता है उसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं और इस एंडोस्पर्म से हमारे जयगोट को न्यूट्रिय मिलते हैं ठीक है अब नेक्स्ट आता है इट रिस्टोर द डिप्लॉइड कंडीशन बाय फ्यूजन ऑफ एप्लॉयड मेल गैमेट विथ एप्लॉइड फीमेल गैमेट ये डबल फर्टिलाइजेशन के वजह से क्या हो रहा है आपका एक मेल गैमेट

एक ही सीड बनेगी एक टाइम पे, मल्टीपल सीड्स एक टाइम पे नहीं बनेंगे तो आज हमने दो बहुत एंड डबल फर्टिलाइजेशन इस वीडियो को वापिस टू की स्पीड में एकदम स्लो स्पीड में मत देखना टू की स्पीड में वापिस भगाकर देखना आपको ये टॉपिक हंड्रेड परसेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है ऑल राइट ट्यूब न्यूक्लियस पुरेशी इकरा ट्यूब न्यूक्लियस का फंक्शन होता है मेल गैमेट्स जब तक ओव्यूल के अंदर एंटर नहीं कर जाते तब तक उन मेल गैमेट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना दिस इज द फंक्शन ऑफ ट्यूब न्यूक्लियस और जैसे ही मेल गैमेट्स ओव्यूल में पहुंच जाते हैं ट्यूब न्यूक्लियस अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है अपोमिक्सिस मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एम्फीमिक्सिस मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अपोमिक्सिस में डबल फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है रुफादा खान अपोमिक्सिस में डबल फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है थैंक यू अंकुश मोहम्मद नौशाद अंसारी यस जनरेटिव सेल से ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है मोस्टली अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर देन जिम्नोस्पॉम्स थैंक यू थैंक यू एवरीबडी किसी को और कुछ डाउट है बच्चा लोग एंडोस्पॉम यानी न्यूट्रिटिव पार्ट ऑफ द ओव्यूल जिससे जाइगोड को न्यूट्रिशन मिलता है थैंक यू मुस्कान चलो तो अभी आज का लाइव इधर ही एंड करते हैं कल सुबह आठ बजे हमारा नेक्स्ट लाइव सेशन होगा कल के लाइव सेशन में हम डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म कंप्लीट करेंगे ठीक है जिसमें हम अलग अलग टाइप के एंडोस्पर्म्स देखेंगे और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ये दो टॉपिक्स हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे देख लो एक बार टू की स्पीड में तो थोड़ा हेल्प मिलेगा कल लेक्चर सुबह आठ बजे होगा बायो का लेक्चर कल सुबह आठ बजे होगा और फिजिक्स का लेक्चर कल शाम को दस बजे होगा यानी रात को दस बजे होगा थैंक यू अनिकेत अंकुश कल सुबह लेक्चर बजे होगा। थैंक थैंक यू, यू वैष्णवी। बेटा सब लोग ना प्लीज सेशन नंबर और फोर्टीन देख कर आना इस चैप्टर का तो आपको डेवलपमेंट ऑफ सीड और डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म अच्छे से समझेगा ठीक है चलो बाय बाय गुड नाइट अभी सोना नहीं है पढ़ाई करो बारह बजे सोना और सुबह छह बजे उठ जाना ठीक है चलो मिलते हैं जल्दी बाय बाय